जैसे जैसे मतदान का दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव को लेकर अपनी गतिविधियों को तेज किया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को संपन्न कराया जाना है, जिसको लेकर मुरादाबाद में भी व्यवस्थाओं को चौकस किया जा रहा है। तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी मतदाताओं को रिझाने का काम कर रही हैं। चौराहों पर लगी नुक्कड़ सभाएं इस ओर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। राजनीति की अगर हम बात करें तो इस बार युवाओं में मतदान को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। विकास को मुद्दा मानकर युवा वोट करने की बात कर रहे हैं। वहीं चौराहों पर लोगों द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। ये तो पहले भी था, तो इन्होंने ये काम कोई नया नहीं किया। अनाज पहले भी मिलता था, मिट्टी का तेल था, चीनी था, बहुत कुछ था। ऐसा नहीं है, इन्होंने अनाज दिया है तो अपने मतलब जो इनका जो फेलियर प्लान है उसके लिए सिर्फ अपनी ऐड करी है। आप देख लीजिए जो अनाज मिलता है पहले, क्या उस पर किसी सरकार का कोई फोटो था? इनका अपना फोटो, ये अपना प्रचार कर रहे हैं, कोई अनाज नहीं बांट रहा। दूसरा आपने कहा गैस सिलेंडर इन्होंने कोई फ्री नहीं किया, रोजगार खत्म करके सिलेंडर दिया। मैंने रखता है वो रोजगार रखता है, सिलेंडर नहीं रखता है। जब रोजगार होगा उससे अपनी चार गुण तो पागड़े का जानता हूँ। यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई के स्तर बहुत अच्छा है, और जितने भी प्राइवेट स्कूल से उनकी कंपैरिजन कर सकते हो। क्या मानते हो आप यूथ हो, जैसे आने वाले दिनों में सरकार और क्या कदम उठाए जिससे कि आप लोगों का भला हो? जो हमें कोचिंग के लिए यहाँ अच्छे अच्छे वो खुलने चाहिए, कोचिंग सेंटर खुलने चाहिए, और जो हमें कोटा नहीं जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े, उसकी सारी पढ़ाई हमें यहाँ अच्छे से हो जाए, हम यही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को अगर आप कार्यों को लेकर के, उसके विकास कार्यों को लेकर के, उनके वादों को लेकर के, दावों को लेकर के नंबर देने की बात है, तो क्या नंबर दोगे आप 100 में से? 100 नंबर होने चाहिए उनके लिए। आपकी नज़र में काम अच्छा? रोहिला। राजीव जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पागुड़ा, बड़ा बदल। कौन सी विधानसभा लगती है? कार्ड विधानसभा। राजीव जी बताइए कि जैसे सरकार ने पूरे 5 साल लोगों को अनाज दिया है, मकान दिए हैं और शिक्षा दी है, या आप ये कह सकते हैं LP गैस है, बिजली का कनेक्शन दिया है, तो उसमें क्या भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ? कोई भेदभाव नहीं हुआ है। आप जाके देखिए, पूरे पागुड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, आप सब समाज के सभी लोगों को पूरा सुविधाओं का लाभ मिला, सारी सुविधाएं। आपकी नज़र में सरकार ने जो काम किए हैं उसे फेल मानते हैं सरकार को, या पास मानते हैं? पास मानते। अगर नंबर देने की बात आती है, कितने नंबर देंगे 100 में से? 10 में से 100 उसने, तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा सरकार के इसके कदम से? सरकार पे तो इतना बड़ा फर्क है, पश्चिम से बिल्कुल साफ होने वाली है। यहाँ तो बहुत ही बड़ा, सबसे ज्यादा लॉस तो इन्हें पश्चिम से उठाना पड़ेगा, पूरे देश में, पूरी UP में इन्हें बहुत ज्यादा इलेक्शन में झटका मिलेगा इससे, किसान आंदोलन। जैसे आवारा पशु जंगलों में घूम रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं, किसानों का विरोध जायज है या नाजायज है? जायज है, उनका हर हाल में जायज है। और किसानों का तो क्या, ये तो आवारा पशुओं का तो हर किसी के लिए मेन मुद्दा है, ये तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। अगर 5 साल तक इस पर कोई वो नहीं हुई, तो हम इसका अगर इंतजाम होता है आवारा पशुओं का, तो रक्षा बजट पे जितना खर्च आता इससे दुगना खर्च 5 साल के अंदर इनका इंतजाम करते हुए इसका आएगा इन जानवरों पर 5 साल में। इतनी उन्होंने कानून बनाया फिर वापस ले लिया, तो एक तरह की ये तो कहावत वही हुई कि थूक कर और चाटना, ये कहावत इन पर सही बैठ रही है। मगर जब कानून लागू करा, वापस लिया, तो एक चुनाव की वजह से तो हुआ कि इन्हें इसमें इन्हें फ़ायदा दिख रहा है, किसान का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सुनने को भी मिलता रहता है जगह जगह के किनार, वो हम कानून कृषि फिर वापस लाएंगे। तो ये जब तक चुनाव है, जब तक लो, तो हम मान रहे हैं कि बिल वापस ले रखा है। चुनाव खत्म होने के बाद में अब इनका क्या स्टैंड है, ये यही जानते।